ये सूत पुत्र यहाँ क्यों आया था केशव? दानवीर कर्ण को घड़ी घड़ी सूत पुत्र कहकर अपना अपमान न किया करो पार्थ। ये वीरों की भाषा नहीं है, वीरों की शैली नहीं है। मैं अंगराज कर्ण की माता को जानता हूं कुंती पुत्र अर्जुन, वो अति आदरणीय है। तो क्या आप कर्ण की माता को जानते हैं? माताएं तो एक सी होती हैं प्रिय नकुल, और माता चाहे किसी की हो सदैव आदरणीय है। वासुदेव का प्रणाम स्वीकार कीजिए गंगा पुत्र। आशीर्वाद नहीं देंगे गंगा पुत्र? नहीं, तुम्हारे दर्शन का प्रसाद पाकर मैं धन्य हो गया। हे यशोदा नंदन, गोकुल के घरों से चुराए गए माखन से एक उंगली माखन मुझे चटा दो कि मेरा जीवन सफल हो जाए। हे महापुरुष, सफलता और असफलता तो केवल दो शब्द हैं, और आज आपसे अधिक ये सच्चाई कौन जानता है कि अपने आप में इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। विजय पराजय, सफलता असफलता, ये तो परिणामों के अलग अलग नाम है गंगा पुत्र, और परिणाम तो कभी आपके हाथ में नहीं था। क्या आपने भीष्म प्रतिज्ञा करते समय आप उसका परिणाम जानते थे? यदि जानते होते तो निस्संदेह आप वो प्रतिज्ञा कभी नहीं करते। फिर यदि ऋषि किंदम का शाप आड़े ना आ गया होता तो महाराज पांडु ही राज कर रहे होते, और महाराज धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बैठने और मुकुट पहनने का चस्का ही न पड़ा होता, और उनका पुत्र दुर्योधन उनकी महत्वाकांक्षा के नरक में न पला बढ़ा होता। और यदि ये सब कुछ न हुआ होता पितामह, तो आप वाणों की इस शैया पर न होते। ये आपकी प्रतिज्ञा की कर्म भूमि है गंगा पुत्र, और आपकी वो प्रतिज्ञा आज इसलिए यहां लहूलुहान पड़ी है कि आप उसका परिणाम नहीं जानते थे। इसलिए जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होने वाला है, उसके लिए आप अपने को उत्तरदायी न समझिए। आपके मोक्ष पर आपका अधिकार सिद्ध है पितामह। पुत्र युधिष्ठिर, आज तुम भाइयों की गर्दनें अपने सिरों का बोझ क्यों नहीं उठा पा रही? आज हमसे एक घोर अपराध हो गया है पितामह। अपराध? क्या तुमने पीठ पर घाव खाए हैं? नहीं पितामह, नहीं। तो क्या तुम में से किसी ने किसी निहत्थे योद्धा का वध किया है? ये अभिमन्यु की बात करने नहीं आए हैं गंगा पुत्र। तो इन्होंने क्या किया है वासुदेव? ये तो इन्हीं को बताने दीजिए। तो फिर ये मौन ओढ़े क्यों खड़े हैं? बोलते क्यों नहीं? इनका अपराध लक्षाग्रह, द्युत क्रीड़ा भवन या कुल वधु द्रौपदी के अपमान के उस अश्लील दृश्य से बड़ा अपराध तो नहीं हो सकता। गुरु और द्रोणाचार्य का वध मेरे एक झूठ ने किया है पितामह। एक झूठ ने। झूठ? धर्मराज युधिष्ठिर, तुम झूठ बोले? तुम? तुम लोग जाओ यहां से।
यदि ये मेरे वश में होता तो मैं इस क्षण को अपने जीवन काल से निकाल देता जिसने मुझे ये सुनवाया है कि मेरा प्रिय युधिष्ठिर झूठ बोला है। माता सत्यवती, माता सत्यवती, यदि आप एक एक करके सारे अप्रिय क्षणों को अपने जीवन काल से निकालते रहेंगे गंगा पुत्र, तो आपके पास तो कोई जीवन काल ही नहीं बचेगा। आचार्य द्रोण को ये पांचों भाई मिलकर भी पराजित नहीं कर सकते थे, तो ये क्या करते? क्या ये धर्मयुद्ध हार जाते? कि दुर्योधन इतिहासकारों से ये लिखवा लेता कि भरत वंश की कुलवधु द्रौपदी वेश्या थी, कि लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा ही नहीं गया था, कि इस धर्म युद्ध में वो धर्म के पक्ष में था। आचार्य द्रोण ने महाराज धृतराष्ट्र के नमक को प्रधान माना और धर्म की ओर ध्यान नहीं दिया। परंतु ये सब अकेले नहीं थे यशोदा नंदन, तुम इनके साथ थे। हे चक्रधर, तुम्हारे सामने भला कोई भीष्म या कोई द्रोण कितने पल टिक सकता था? किंतु मैं तो वचनबद्ध हूं गंगा पुत्र कि इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो क्या तुम मुझ पर नहीं दौड़ पड़े थे? वो तो आपकी वीरता को मेरा प्रणाम था गंगा पुत्र भीष्म, मेरा प्रणाम था। मैंने तो सुना था कि तुमने अपना नटखटपन वहीं गोकुल में छोड़ दिया था यशोदा नंदन। अर्थात आपने इन्हें क्षमा कर दिया ना पितामह? तुम्हारी अनुशंसा को कौन नकार सकता है वासुदेव।